हे गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कैश करो ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। ये एक ऐसा ऐप है जिसमें आप मतलब आप कैशबैक पा सकते हैं किसी भी वेबसाइट में शॉपिंग करके। लाइक आप अमेज़न में शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते हैं, तो वहां पे आप एक्स्ट्रा कैशबैक पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं वो मैं आपको पूरा प्रोसेसर बताऊंगा। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिल जाएगी आपको वहां से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे आपको ज्वाइन फ्री में क्लिक करना है और यहाँ पे अपने सारे डिटेल्स भर देना है। और आपको साइन अप करते ही 25 रुपीज कैश करो के अकाउंट में मिल जाएगा। सारे डिटेल्स भरने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिकली आपके में आ जाएगा और उसके बाद आप सीधा कैश करो में लॉगिन हो जाएंगे। कैश करो में लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको काफी सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगी। लाइक यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, सबसे पहले मैं अमेज़न है, उसके बाद फ्लिपकार्ट है, उसके बाद मिंत्रा, स्विगी और बहुत सारी वेबसाइट्स इसमें आपको मिल जाती है। आपको अपने ऑफर को एक्टिवेट करने के लिए, कैशबैक एक्स्ट्रा पाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का एक्टिव रिवॉर्ड लिखा है इसमें आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही एक्टिव रिवॉर्ड में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अप टू 5% का रिवॉर्ड मिल जाएगा और आपको वहां पे एक्टिव में क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे वैसे ही आपको सिंपली जैसे हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं अमेज़न से वैसे ही आपको शॉपिंग कर लेना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे Redmi Note 8 Pro को ओपन कर लिया है। यहाँ पे जैसे ही मैं इसमें बाय करूंगा तो यहाँ पे जो कैशबैक 5% का वो मुझे मिल जाएगा। डायरेक्टली नहीं मिलेगा, मतलब आपको सीधे कैश करो के अकाउंट में मिल जाएगा आपको 5% का। बात करें फ्लिपकार्ट की तो यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे हमको अप टू 8% का कैशबैक मिल रहा है जो कि काफी बड़ी बात है। मतलब आप कोई महंगा फोन लेते तो आपको उसमें अच्छा खासा कैशबैक मिल जाएगा। उसके बाद जैसे देख सकते हो मैं अभी छोटा प्रोडक्ट देख रहा हूँ ट्रिमर जो कि ठीक ठाक से है, इसको अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरे को अच्छा खासा इसकी वैल्यू मिल जाएगी और मेरा जो पेमेंट है वो कैश करो के अकाउंट में आ जाएगा, वहां से सीधा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये थी इसकी पूरी प्रोसेसर। और भाई यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो बैंक से आप मतलब रिडीम कर सकते हो, यहाँ से जो कैशबैक आप कमाओगे इतने रुपए मैंने कमाए और इसको मैंने मतलब रिडीम के लिए डाल दिया, मुझे कुछ घंटों के अंदर ही बैंक में मिल जाएगा जो कि काफी कमाल की बात है और मुझे काफी अच्छा ऐप ये लगा है। और यार चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ऐप डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में दिखाया जाने वाला फोन मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाया है जो कि एक डमी फोन है। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया कि ये फोन कैसा दिखने वाला है इस जानकारी के लिए। तो आप वीडियो को चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस Redmi 9A के डमी पीस की, डमी पीस जो कि मैंने खुद से बनाया है। और भाई इसका मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा, इस एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ और यार किस प्रकार का ये फोन दिखने वाला है वो भी एक्सपेक्टेड आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर Redmi 9A वगैरह लिखा हुआ है, बॉक्स को कर देते साइड को और उसके बाद हमको एक लीड मिल जाती है। लीड के अंदर हमको यहाँ पे सिम ट्रे इजेक्टर टूल मिल जाता है जो कि कुछ इस प्रकार से गोल सा टिपिकल Xiaomi वाले स्टाइल में, एंड देन कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं। आई थिंक सो इसमें हमको कवर नहीं मिलेगा इसलिए मैंने इसमें कवर नहीं डाला। उसके बाद भाई यहाँ पे हमको Redmi 9A मिल जाता है जो कि भाई 11 फरवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसका ये क्लोन पीस है, डेमी पीस है जो कि आप जैसे कि देख सकते हो काफी कमाल का दिख रहा है। और यार ड्यूअल कैमरा इसमें टीज कर दिया है Xiaomi ने, तो ड्यूअल कैमरा मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद हमको बॉक्स में मिल जाता है एक चार्जर जो कि भाई एक 18 वॉट का चार्जर आपको मिलेगा इस बार, क्योंकि पिछली बार आपको 10 वॉट का चार्जर डब्बे में दिया था लेकिन सपोर्ट 18 वॉट का करता था, इस बार आपको 18 वॉट का चार्जर डब्बे में ही दिया जाएगा जो कि एक 7000 के फोन के अंदर मिल रहा है, काफी कमाल की बात रहेगी। उसके बाद हमको यहाँ पे एक टाइप सी केबल मिलेगी जो कि भाई पिछली बार भी हमको Redmi 8A में भी मिला था टाइप सी, इस बार भी हमको मिलेगा। प्रोसेसर में काफी इंप्रूव किया सब मैं आपको बताने वाला हूँ। डिजाइन कुछ इस प्रकार का मिलेगा, ये कुछ लीक्स के ऊपर बेस्ड है डिजाइन किस प्रकार का रहेगा करके। सेंटर में कैमरा आपको मिल जाएगा, ड्यूल कैमरा आपको मिलेगा जो कि काफी अच्छा दिखने में है। प्रोसेसर की बात रही तो यहाँ पे हमको मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर मिलेगा जो कि काफी कमाल का प्रोसेसर है। और यार प्रोसेसर जो है ना मुझे काफी अच्छा लगा है। रियलमी के C3 में भी आपको सेम प्रोसेसर मिलता है। एक और खास बात है, जैसे रियलमी C3 लॉन्च हुआ जस्ट उसके बाद ही इसका टीजर अमेज़न पे उतर चुका था और भाई
आगे इसके डिस्प्ले के बारे में भी बात करेंगे। बैटरी की बात रही तो यहाँ पे हमको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी है, काफ़ी अच्छी चलेगी आपको, जो फ़ोन है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी बैटरी मुझे लगी है। बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ पे हमको एक प्लास्टिक मिलेगा जो कि आपको रेडमी की 8A में भी मिला था, सेम प्लास्टिक को मिलेगा। डिज़ाइन वाइज रेडमी 8A से रेडमी 9A में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बिकॉज यार दोनों भाई भाई है, लेकिन यहाँ पे आपको मैटी फिनिश मिलेगा। मेरे पास मैंने जो मटेरियल है जिससे मैंने बनाया है डेमी फोन को, वहाँ पे मेरे पास ग्लॉसी मटेरियल था, तो ग्लॉसी आपको दिख रहा है। और भाई ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बैक साइड के कैमरा की बात रही तो यहाँ पे हमको 13+5 MP का ड्यूल रियर कैमरा मिलता है। रियलमी के C3 में आपको मिल जाता है हमारा 12+2 MP का, जो कि कुछ खास कैमरा नहीं है, लेकिन इसमें आपको अच्छा कैमरा मिल जाएगा। जो हमको सोनी का सेंसर आपको पिछले बार रेडमी 8A में मिला था, सेम सेंसर आपको इसमें दिया जाएगा। बाद में इसमें इस बार ड्यूल कैमरा ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यार मैटी फिनिश के साथ ये फ़ोन आने वाला, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा होल्ड करने में भी। और बैक साइड तो कर्व्ड कॉर्नर रहेगा, जो कि अच्छा रहेगा आपको, ग्रिप मतलब अच्छी मिलेगी आपको पकड़ने में। बात रही फ्रंट के डिस्प्ले की तो यहाँ पे हमको यार 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले आपको मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है। IPS LCD डिस्प्ले रहने वाली है। और भाई फ्रंट कैमरा की बात रही तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस बार हमको 13 MP का कैमरा मिलेगा, जो कि रियलमी के C3 में 8 MP का दिया गया था। तो भाई रियलमी C3 से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे फ़ोन, मतलब स्पेक्स वाइज, जो अभी लॉन्च होने वाला है 11 फरवरी को। 11 फरवरी को आपको कन्फर्म प्राइसिंग पता चल जाएगी। इसमें आपको दो वेरियंट्स मिल जाएंगे, 3GB+32GB, 4GB+64GB, आपको 3 वेरियंट्स मिल जाएंगे, जिसका कि प्राइसिंग एक्सपेक्टेड प्राइसिंग अभी बता रहा हूँ। 3GB वाले के लिए 6,499 रुपये, और भाई 4GB 64GB वाले के लिए 7,999 रुपये। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा, कैश करो चेकआउट करना ना भूलेगा। तो बस आज की वीडियो में नहीं जन्म।